हेलो एवरीवन, वेलकम। देखेंगे इस रीडिंग में आपका नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ होगा अगले कुछ घंटों में, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस क्या होगा आपके लिए। चले जाने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है, ठीक है, कोई एक राशि के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होने जा रहे हैं आप दोनों के बीच, कैसा रहेगा अगले कुछ घंटों में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स यूनिवर्स बताए मुझे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होगी इनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या कुछ फील करेंगे, ठीक है। आपका पिक्चर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से आपका पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पेंटर हो सकते हैं, आपका पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको न्यूड देखना चाहते हैं, नेकेड आपको देखना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि मैं लस्ट फुल एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को, आपको लेकर अट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर मुझे लस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको न्यूड नेकेड देखना चाहेंगे, आपको इमेजिन कर रहे हैं, फंडासाइज कर रहे हैं और आपके क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बहाना कर सकते हैं कि मुझे काम है, तुमसे मिलना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है, या इस टॉपिक पर बात करना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ बहाने से आपसे मिलने आ सकते हैं या आपको बुला सकते हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा शो कर सकते हैं कि ये काफ़ी सैड हैं, दुखी हैं, जिससे आप दोनों मिल सको, आप दोनों के बीच मीटिंग हो सके, ये इनका एक दिखावा होगा, ठीक है। बस आपको शो करेंगे कि ये काफ़ी सैड है ताकि आप इनसे मिल लो, आप अलाउ करो, इनके क्लोज जाओ, आप किसी चीज़ के लिए ना रोको, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली चाहते हो, या स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कुछ बड़ा चाहते हो, या शादी के बाद ही आप इनके क्लोज जाना चाहते हो, आपके साइड से ऐसा कुछ एनर्जी हो सकता है, या तो इन्होंने खुद को कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, या तो दूरी आपके साइड से है, या तो इनके साइड से था कभी, पर ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या आपके क्लोज आना चाहते हैं, तो कुछ झूठ बोलते हुए कुछ ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप इनको अलाउ कर दो कि ये आपके क्लोज आ सके, आपके करीब आ सके, किसी चीज़ के लिए आप रोक ना सको, टोक ना सको, ठीक है। आप परमिशन दे दो इनको आगे बढ़ने की, तो बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, आपके साथ नाइट जाते हैं, आपके साथ टाइम जाते हैं। तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखा सकते हैं कि ये काफ़ी इमोशनल हैं, या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, रो रहे हैं आपके सामने, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दर्द में हैं, दिखा सकते हैं ताकि आपके क्लोज आ सकें, तो मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दिया है। और देखते हैं कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है अगले कुछ घंटों में ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, काफ़ी लॉजिकल हो रहे हैं, मनी के बारे में सोच रहे हैं, करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, आप दर्द में हो, आप बात करना चाहते हो, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, पर इनको कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है, इनको समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आपको कितना तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको कितना हर्ट कर रहे हैं, इनका एक्शंस, इनका बिहेवियर आपको कितना दर्द दे रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहा है ये व्यक्ति, या नहीं पा रही है ये। इन्होंने सोच रखा है कि मुझे दूरियां बनानी हैं, आप इनके क्लोज जाना चाहते हो, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, बट ये खुद को डिटैच कर रहे हैं, या तो इन्होंने कर लिया है, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, या इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, और अब इन्होंने सोच रखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, या फैमिली के बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है।
तो इस व्यक्ति के सामने सिर पिटने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़ोगे झगड़ोगे या इनके सामने गिड़गिड़ाओगे रोओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप ही क्लोज आ सकते हैं, ठीक है, अपना लस्ट पूरा कर सकते हैं, पर इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखिएगा, कॉन्शियस रहे, अवेयर रहें अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर। यूनिवर्स बताएं मुझे अगले कुछ घंटों में क्या होगी इनके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी हर्ट है, ये काफ़ी दर्द में है, क्योंकि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो। आप दोनों के बीच कुछ ऐसे बातें हो सकती है जो कि काफ़ी हर्टफुल था, पेनफुल था। आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, ये ऑलरेडी हो चुका है। आप दोनों ने कुछ ऐसे वर्ड्स शेयर किया है जो कि एक दूसरे को हर्ट करा। आपका मैसेजेस, आप दोनों का कम्युनिकेशन, बातें करना, ऑलरेडी आप दोनों सेपरेशन में हो, ये काफ़ी मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं। इनको हर्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपको काफ़ी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और रियल में अगर आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, इनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पर, और दूसरा पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहा है, लॉजिकल हो रहा है। और अगर आप बैलेंस में हो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, अपने पावर में हो, आप लो एनर्जी में नहीं हो, आप रोध हो नहीं रहे हो, ठीक है, आप हर्ट नहीं हो। हाँ, आप हर्ट हो सकते हो, बट आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो तो मैं आपको बता दूँ, दर्द इनको हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नो कॉन्टैक्ट है हमारे बीच, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, किसी के सामने रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इंतज़ार मत कीजिए किसी का, अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहिए, अपने पावर में रहिए, क्योंकि इसी से ही आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे आपके एक हो, करेंट पार्टनर हो, या किसी का टेंशन पा सकते हो, ठीक है। अपनी अंदर की ब्यूटी को बाहर लाइए, काफ़ी खूबसूरत हो आपका ऑरा, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, हर चीज़ में आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। खुद को कम मत आंकिए, ठीक है, खुद को कंपेयर मत कीजिए। बहुत खूबसूरत इंसान हो आप, काफ़ी खूबसूरत पर्सन हो, ठीक है। तो अगर आप खुद की खूबियां देख लेते हो, आपकी खुद की क्वालिटीज़ हैं, उसको बाहर लाइए, अपने पावर में रहिए, स्ट्रांग रहिए, बोल्ड रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए, आपकी यही एनर्जी किसी को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। कोई तड़पेगा, कोई रोएगा, ऑलरेडी कोई रो रहा है, कोई कंफ्यूज है आपको लेकर, इन्होंने खुद आपको हर्ट करा है, आपको दर्द दिया है, किसी ने आपकी दुनिया उजाड़ दी है या उजाड़ा था कभी, आप कभी काफ़ी हर्ट हुए हो, दर्द में रहे हो, या हो सकता है कि हो करेंटली, पर आपको खुद को रिकवर करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपने पावर में आने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है हर तरह से, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, मेंटली, सोशली, हर तरह से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बनिए, दिखाइए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी को जीने के लिए, खुश रहने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपका यही एनर्जी किसी की दुनिया में तबाही ला देगा, कि उसने खुद को संभाल लिया है, उसने मूव ऑन कर लिया है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से, ठीक है। कोई इस एनर्जी में जाएगा और वो कोई काफ़ी तड़पेगा, रोएगा कि उसने क्या खोया है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहिए, मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, ठीक है। किसी को ऑप्शन नहीं बनना है, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं बनना है। तो देखिए, क्या आप किसी की प्रायोरिटी हो या कोई आपको ऑप्शंस की तरह देख रहा है। किसी को ऑप्शंस नहीं बनना है, निकालिए। अगर कोई इस तरह से आपको ले रहा है, कन्फ्यूज है कोई आपको लेकर, तो दिखा दो कि क्या हो, ठीक है। उसको मत देखिए कि कोई आपको लेकर डिसीज़न ले, फैसला ले, आप उसके फैसले के इंतज़ार में हो कि वो कब डिसीज़न लेगा, कब आएगा, कब आएगी। अपना डिसीज़न सुनाइए,
ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कीजिए। यूनिवर्स बताए मुझे अगले कुछ घंटों में क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच, क्या कुछ हो सकता है। न्यू स्टार्ट होने का चांसेस है, कई लोगों के बीच में रोमांस देख पा रही हूँ, रोमांस हो रहा है आप दोनों के बीच, न्यू स्टार्ट हो रहा है या फिर क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑफर करना चाहेंगे कोई पास्ट का पार्टनर या कोई इमैच्योर पर्सन, या जिन्होंने आपके साथ इमैच्योर बिहेव किया था उनका बिहेवियर काफ़ी इमैच्योर है, कोई आपसे छोटा बड़ा हो सकता है, या इनकी एनर्जी में काफ़ी मैच्योरिटी है, तो कोई आपको देख रहा है, कोई आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, सोचेगा आप कांटेक्ट करने के बारे में, आपको ऑफर करने के बारे में, नहीं कर रहा है तो तड़प रहा है आपके लिए और करना चाहता है बुरी तरह से न्यू स्टार्ट आपके साथ। जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो, जिनके साथ दूरियां हैं और कई लोगों के बीच न्यू स्टार्ट हो रहा है, रोमांस हो रहा है या आपको प्रपोजल मिल रहा है, न्यू प्रपोजल है यह आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है या कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, आपको ऑफर मिल रहा है या कुछ ही वीक्स में आपको ऑफर मिलने वाला है। तो किसी के लिए रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, खुद पर फोकस करें। क्या कुछ हो सकता है अगले कुछ घंटों में, यूनिवर्स बताएं मुझे। कुछ लोग के बीच मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि टेंशन का माहौल है, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू हो रहा है क्योंकि कोई आपको छोड़कर जा रहा है, या अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको थोड़ा डिटैच कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, तो उनको काफ़ी टेंशन हो रही है। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो तो वो काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको काफ़ी टेंशन हो रही है कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी नहीं सोचा था वो मूव ऑन करेंगे, तो कोई आपको लेकर टेंशन में है, ठीक है। और अगर आप किसी को लेकर टेंशन में नहीं हो, तो कोई काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे कि दुनिया में तबाही मचा रखा है आपने। और अगर आप स्ट्रेस में हो तो उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको दर्द दे रहा है, उनको खुद दर्द हो रहा है और वो व्यक्ति कंफ्यूज है और वो दूर जाकर खुद पछताने वाला है, उसको खबर मिलेगी कि उसने क्या खो दिया है, तो ऐसा एनर्जी आ रहा है, पर कोई खुद को डिटैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में हो या लो एनर्जी में हो, आपका वाइब्रेशन काफ़ी लो है, एनर्जी काफ़ी लो है, तो कोई व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सेल्फिश हो रहा है, सेल्फिश एनर्जी में है, काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहा है, तो खुद को डिटैच कर रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को हर्ट मत कीजिए, ठीक है। तो ये आ रहा है एनर्जी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।